Assalamualaikum, what's up guys? So this is Tamoor Pervaiz. आज की जो हमारी वीडियो है वो है बुलेट वर्सेस विक्ट्री। वीडियो को टाइटल रखने का ये मकसद नहीं है कि कोई कंपटीशन वगैरह है, लेकिन ये हमने वीडियो बनाई है बुलेट के कंपैरिजन पे विक्ट्री। सो बुलेट में काफ़ी चेंजेस हमने बाद में किए थे। पहले इरफान भाई ने जो काम करवाए थे बुलेट के अंदर, वो कहीं औरंगजेब मार्केट, वाटर पम्प, पेंट ड्रॉप के डिफरेंट जगह से, तरह तरह की जगह से उन्होंने काम करा के फाइनली वो हमारे पास आए थे। तो उसमें हमने काफ़ी चीज़ें अपग्रेड की थी, जिसमें कि फ्रंट का ब्रेक करेक्शन की थी, क्रैश गार्ड इंस्टॉल किए थे, हीट रैप लगाया था, एग्जॉस्ट चेंज किया था। बाइक ने रेडिकल चेंज जब लिया था जब उसमें हमने फैट टायर की इंस्टॉलेशन की थी, पूरी बाइक ने रेडिकल चेंज ले लिया था। और जो रियर टायर हमने फ्रंट पे स्विच किया था, उसका ब्रेक फ्रंट कैलिपर जो था उसकी हमने रॉड सिस्टम किया था, जो पट्टी का सिस्टम था वो ख़त्म करके अपनी इंजीनियरिंग से हमने उसको चेंज किया। सो इकराम भाई को जो हमारे पास आए, जो ऑनर इस बाइक के, वो हमारे पास आए तो उसमें उनको जो प्लस पॉइंट था, उनके सारे काम एक ही डोर स्टेप पर हो रहे थे। तो उन्होंने हमें एक मोटरसाइकिल दी, मोटरसाइकिल डायरेक्टली शोरूम से आई थी जो कि 15 किलोमीटर चली हुई थी। फिर हमने एक लिस्ट तैयार की जो फीचर बुलेट में थे और जो हमने विक्ट्री के अंदर चेंज करने थे, अपग्रेड करने थे उसमें। सो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें काफ़ी नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन है ताकि आप लोगों का माइंड मेकअप हो और ईजिली आप अपनी बाइक अपग्रेड कर सकें। तो शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें फैट टायर ड्रम के साथ था, तो अब ऐसा करते हैं इसमें डिस्क कर देते हैं ड्यूल पिस्टन के साथ, इसे डिस्क लगा देते हैं। फ्रंट का जो YBR का रिम है उसमें सिंगल पिस्टन था, इसमें ड्यूल कर देते हैं, ड्यूल पिस्टन कर देते हैं। ये फोन भी वही रहेंगे? अच्छा, ये इसमें डिजिटल मीटर सिंपल लगा हुआ है, अब इसमें टेम्परेचर वाला दूसरा लगा है। और 6-speed ट्रांसमिशन वाला? हाँ, 6-speed। ठीक है, एडजस्टेबल लिवर्स थे उसमें मॉक्सी के, तो इसमें हम हाइड्रोलिक क्लच, अब हाइड्रोलिक क्लच के साथ उसमें नए इसमें इंस्टॉल करते हैं। सेम शुड बी सेम। अच्छा, तो इसमें हमारा जो चीज़ें हैं वो पांच चीज़ें अवेलेबिलिटी है, कौन सी चीज़ों की? बाकी चार सारी चीज़ें अवेलेबल है, टायर अवेलेबल है हमारे पास, टायर और फ्रंट टायर भी है, क्लिपऑन भी अवेलेबल है, हेडिंग कार्ड्स की जगह लाइट्स आ जाएंगे, ठीक हो गया, फॉग बूट्स भी अवेलेबल है, हेड कवर्स, क्रैश गार्ड, इंजन गार्ड। तो ये हमारी लिस्ट है, ये बुलेट का स्टफ़ है, ये विक्ट्री के प्लेट्स हैं हमारे पास। इसमें हमने फैट टायर विद ड्यूल पिस्टन कर दिया, लेकिन टायर्स इसमें ड्यूल स्पोर्ट हमने चेंज किया। उसमें रियर था, इसमें हमने ड्यूल कर दिया। क्लिप ऑन सेम है, टेम्परेचर सेंसर विद 6-speed इसमें रखा है हमने, उसमें सिंपल डिजिटल मीटर था। और इसमें हमने एडजस्टेबल लेवल्स की जगह हाइड्रोलिक क्लच कर दिया। हैंडल गार्ड्स थे, इसमें हमने हैंडल लाइट्स कर दी हैं। DRL लाइट सेम है, फॉग लाइट विद रिंग भी सेम है, फॉग बूट सेम है। अच्छा, हेड कवर इसके अभी अवेलेबल नहीं था तो हमने टैपेट का जो कवर है उसको हमने रेड कर दिया। क्रैश गार्ड भी सेम है, इंजन डर्ट गार्ड जो नीचे लगा होता है वो भी सेम है। अच्छा, इसमें सिंगल सीट थी लेकिन हमारे राइडर की डिमांड थी पीलियन राइडिंग थी, तो हमने इसको सीट थोड़ी चेंज की है। स्कर्ल इंडिकेटर्स में थोड़ी कंप्लेन ये थी कि वो LED उसकी ख़राब हो जाती थी, तो हमने इसमें एल के यूज़ किए। अच्छा, रियर फेंडर भी सेम रखा है और हीट रैप सेम है पर कलर रेड है। टायर का मफलर था इसमें, वो हमने थोड़ा इसका पैटर्न चेंज किया। और फुटरेस पैनल भी सेम है, लेकिन जो फुटरेस इसके होते हैं स्टॉक थे, टैंक भी इसका स्टॉक था और स्टॉक ऑन ऑफ स्विच था। इसमें हमने हैंडल लॉक कर दिया, टैंक का शेप चेंज कर दिया विथ फ्यूल गेज, और स्टॉक फुटरेस को हमने कर दिया फोल्डेबल। पेंट का थीम उसका पर्ल वाइट एंड गोल्डन था, इसमें शेडेड रेड विथ रेड कर दिया इसमें हमने। और हाइड्रोलिक रियर सस्पेंशन भी सेम है। सारी लिस्ट हमारी तैयार हो गई है, तो बिस्मिल्लाह करके बाइक को खोलते हैं, डिसमेंटल करते हैं। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, अल्लाह का नाम लेके।
तो माशाल्लाह पूरी बाइक हमने डिसमेंटल कर दी है, सिर्फ हमारा एक स्ट्रक्चर है, ब्रांड न्यू इंजन, वायरिंग, ईच एंड एवरीथिंग चेसिस कलर हुआ है। सो काफ़ी लोग मुझसे सवाल करते हैं कि यार बाइक में हम कौन से ऐसे टायर्स यूज़ करें जिसकी रोड ग्रिप भी अच्छी हो और वो लॉन्ग लाइफ हो। तो इस बाइक में हमने, और जो मोस्टली जितनी भी बाइक्स हैं, मैं रेकमेंड करता हूँ ड्यूल स्पोर्ट टायर्स, जिनकी रोड ग्रिप भी अच्छी है और उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। अब बात हो गई टायरों की, तो अब बात करते हैं स्टॉपिंग पावर पे। इसके लिए हमने ड्यूल पिस्टन कैलिपर यूज़ किया है फ्रंट पे भी और रियर के भी, तो फॉर बेटर परफॉर्मेंस के लिए। अब बात करते हैं स्विंग आर्म की। अच्छा, इसका जो अपना स्विंग आर्म है उस पर 130 का टायर लग तो जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा ओट लगता है, तो इसमें हमने थोड़ी एक्सटेंशन देने के लिए और थोड़ी हाइट देने के लिए टाइगर बॉक्सर का स्विंग आर्म चूज़ किया है, जो कि एग्जैक्टली तो नहीं आता, लेकिन उसकी फिटिंग बनानी पड़ती है, कट करके उसको फिक्स करना पड़ता है ताकि उसमें प्ले ना हो, लेकिन वर्किंग करना चाहिए लाइक दिस स्विंग आर्म। ये टॉर्क रेंच है, ओवर टॉर्क नहीं करना। और स्विंग अप, स्विंग डाउन, वर्किंग परफेक्ट। एडिशनली हमने एक और चीज ऐड की है, फोल्डेबल फुटरेस्ट, जो कि खुद हमने डिजाइन की है। तो ये पार्ट्स इसके ऑनलाइन परचेज हुए हैं, और जिसमें हमारे पास हाइड्रोलिक क्लच है, ग्रिप्स हैं, क्लिपॉन्स, मास सस्पेंडर, लाइट और एग्जॉस्ट, इसमें ये लगेगा, ये साइड स्टैंड है, हीट ट्रैप, टैंक कैप, क्रैश गार्ड, फुटरेस्ट पैनल, इंडिकेटर्स, एंड नाउ दिस टाइम वी चूज दिस मीटर। This is one of the best and fantastic meter with temperature sensor and oil light. मैं आपको डिस्प्ले दिखाऊंगा इसका। बैक लाइट है इसकी, टैंक पैड, टैंक स्टिकर, और ये लाइट है ऑनलाइन, ये बहुत ही हाई क्लास क्वालिटी की है। इसकी वीडियो मैं एंड में बनाऊंगा। और ये पीछे से जो इसका फ्रेम है, ये एल्यूमिनियम का है। और ये आ गया इंजन गार्ड, और ये हमारा टैंक आफ्टर मार्केट का। सो शुरू करते हैं इसके क्लिपॉन से। क्लिपॉन अक्सर लोग लगाते हैं, यहाँ से बना के बुश लगा देते हैं जो ग्रिप लॉक से टाइट होता है, लेकिन हमने एक स्पेशल चीज़ बनाई है, हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि इसका नट है, इसमें ओरिंग है, और जो हमने डिज़ाइन किया है, ये हमने डिज़ाइन किया इसका, जिसमें नीचे उसी तरह की चूड़ी है, ओरिंग की जगह है, और ये टाइट होगा तो एक टूल से जो हमने बनाया है, SST टूल है, ये स्पेशल टूल है इसका जो हमने बनाया, जो इसके ऊपर पूरा आ जाएगा और ये इसी से टाइट होगा और इसी से खुलेगा ये। तो इसको लगाते हैं और इस पर क्लिप ऑन फिट करते हैं। ये इसमें हमने हैंडल लॉक लगाया हुआ, पहले लगा दिया था हमने। क्लिपॉन के बन गए स्पेशल, अब इस पर क्लिपॉन लगाते हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट पे आएगा जो बैंडेड 250 के हमने चूज़ किए हैं, उसके होल्स वगैरह सेट करके इसी पे लगेगा, ये जेन्युइन पोजीशन पे। सही,
तो ये लग गए क्लिप ऑन और इसके ये हमने होल इसके सेट किए थे और इसको इस पोजीशन पे लगाते हैं, गलत लगेगा ही नहीं है। ये लग गया जी क्लिप ऑन, फैंटास्टिक। अब इसकी असेंबली और ब्रेक, मास्टर सिलेंडर, हाइड्रोलिक क्लच, डिजिटल मीटर, हेडलाइट लगाते हैं। अब इसकी हैंडल लाइट्स लगाते हैं।
अच्छा वैसे तो शुरू में हमारे पास सिर्फ एक थीम होता है कि ये थीम है, इसको इस तरह बिल्डअप करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसमें अपग्रेड्स करते हैं तो आपकी मोटरसाइकिल एक अच्छे लुक पे ट्रांसफॉर्म होने लगती है। माशाल्लाह जी, बाइक टोटली असेंबल हमने कर दी पूरी, सिर्फ 5% इसका काम बाकी है, वो है ग्राफिक्स का। स्टिकरिंग और ग्राफिक्स करते हैं इसको पूरी, फिर बाइक इंशाल्लाह और उभरेगी। तो ये थी हमारी विक्ट्री की वीडियो। GS 150 में बहुत सारे मॉडिफिकेशन के चांस और पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि इन फ्यूचर हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो होप यू लाइक अवर वीडियो, कीप सब्सक्राइब अवर चैनल, हिट द बेल आइकन आल्सो।
जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी। और लाइक करें वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर करें। ओवर एंड आउट।